परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लोकसभा चुनाव तक रोडवेज बसों के अनुबंधित बसों के टेंडर को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री के आश्वासन के बाद रोडवेज के संयुक्त मोर्चे के बुधवार का एक घंटे का प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। एटक अध्यक्ष एमएल यादव ने बताया कि संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सरकार की ओर से विशिष्ट सहायक राजेश सिंह, रोडवेज एमडी शुचि शर्मा, कार्यकारी निदेशक यूडी खान की वार्ता हुई, जिसमें चुनाव होने तक अनुबंधित बसों के टेंडर स्थगित करने का आश्वासन दिया गया। साथ में रोडवेज की नई बसें खरीदने, सातवां वेतन आयोग लागू करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान करने, नई बसों की भर्ती करने पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि रोडवेज में 8 मार्च से अनुबंधित बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसका रोडवेज कर्मचारी विरोध कर रहे थे। और जैसा हमने पहले बताया कि 26 मार्च को हमने एक ज्ञापन दिया था और रोडवेज प्रशासन ने करीबन 500 अनुबंध पर बसें लेने की तैयारी की जा रही है, जिनके टेंडर 8 तारीख को जो है खोले जाएंगे। हमने उसका विरोध किया, हमने ये कहा कि ये प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है, इसलिए ये 500 जो बसें जो ली जा रही है, इन 500 बसों के टेंडर निरस्त किए जाने चाहिए, क्योंकि अनुबंध पे जो बसें ली जा रही है उसकी हमारे यहाँ बहुत बड़ी घटनाएँ हमारे सामने आई है, क्यों हमारे तो कुछ परिचारकों को जो है ये जो ड्राइवर हैं इनके अनुबंध वाले, इन्होंने सहयोग नहीं करते हैं, झगड़ा करते हैं, उनके साथ मारपीट की है, उसके अंदर देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।